साथियों, कांग्रेस की करनी देखिए, वोट खरीदने के लिए अब उसने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हक का पैसा भी लूट लिया है। उसने इस लोकसभा चुनाव में एक और घोटाला कर डाला है, तुगलक रोड चुनाव घोटाला। मुझे वहां पर लगता है कि आपको ये तुगलक रोड क्या है मालूम नहीं है। बताऊं बताऊं, दिल्ली में एक तुगलक रोड है, वहां एक बहुत बड़े नेता का घर है। तो ये पिछले दिनों तुगलक रोड चुनावी घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। आपने टीवी पर देखा कि नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, यहां के अखबार वाले छापने की हिम्मत करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं, वहां से सैकड़ों करोड़ रुपए चुनाव के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। ये पैसे कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए थे, मासूम बच्चों की भूख मिटाने के लिए थे, लेकिन कांग्रेस इतनी निर्दयी है कि उसने गरीब बच्चों के मुंह से निवाला भी छीन लिया। अब तक हम सुनते आए थे डिफेंस डील में कांग्रेस का पंजा, जमीन की डील में कांग्रेस का पंजा, पनडुब्बी की डील में कांग्रेस का पंजा, हेलीकॉप्टर की डील में कांग्रेस का पंजा, लेकिन अब तो मासूम बच्चों के खाने पर भी, मासूम बच्चों की थाली लूटने का काम इन लोगों ने किया है।